यस 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं 2018 के दिल्ली रीजन के सीबीएसई क्वेश्चन के सॉल्यूशन। 2018 में भी बेटा 29 ओवरऑल क्वेश्चंस आते थे, और जिनमें 4 क्वेश्चन 1 मार्कर, 8 क्वेश्चन 2 मार्कर्स, 11 क्वेश्चन 4 मार्कर्स एंड 6 क्वेश्चन 6 मार्कर। टोटल 100 मार्क्स का, डेफिनेटली तब भी इंटरनल असेसमेंट नहीं था बेटा। इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे बेटा 1 क्वेश्चन 2 मार्कर का एंड 2 क्वेश्चन 4 मार्कर के, दैट मींस अगेन टोटल 10 10 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट्स इन ए नंबर लेस देन 4। यस, सिंपल टू अंडरस्टैंड बेटा। एक ब्लैक और रेड डाई रोल हुए हैं, जस्ट लाइक कि 2 डाइज रोल हुए हैं, ठीक है, बट उनके कलर पर्टिकुलर मेंशन किए हुए हैं, ब्लैक एंड रेड है। तो आप ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर आप ब्लैक से काउंट करेंगे, सेकंड रेड से काउंट करेंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। अगर मैं देखो बेटा, ये 1 मार्क में आए, मैं आपको क्विक बोलूं, आपको पता है ये आउटकम आने वाली है 36, राइट। ऑब्टेनिंग द सम 8 वाली सीरीज आपकी कौन सी रहने वाली है? दिस वन। ओके, 1 2 3 4 5 5 आउटकम्स फॉर द सम 8 एंड रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। नंबर लेस देन 4, रेड डाई सेकेंड थी बेटा, 1 2 3, ये 3 कॉलम्स आपके, दैट मीन्स 18। 18 आउटकम्स में से आपकी कितनी फेवर में होंगी सम 8 के? ये 18 में से सिर्फ 2 आउटकम फेवर में है बेटा, 2 by 18, दैट मीन्स 1 by 9। जो आपको समझाया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लेते हैं कि जैसे सैंपल स्पेस अब रिस्ट्रिक्ट हो गया, अदरवाइज सैंपल स्पेस इज दिस कंप्लीट, लेकिन गिवन नंबर लेस देन 4 लेना है तो ये एक तरीके से सैंपल स्पेस हो गया, और इसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? ये 2, तो 2 by 18 हो गया। बट लेट अस जस्ट राइट इट प्रॉपरली, क्योंकि आपके अब मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं बेटा। इवेंट्स अगर आप एज्यूम करो ए सम इज 8, नो डाउट 2 मार्क्स का है तो मिनिमम लिखे, बी रेड डाई रिजल्ट्स इन इन ए नंबर लेस देन 4, ठीक है, ए नंबर लेस देन 4 अपियर्स ऑन रेड डाई, आप ऐसे भी लिख सकते थे बिल्कुल। तो आपका जब ए इंटरसेक्शन बी देखोगे बेटा, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर आप बात करोगे लेस देन 4, दैट इज 18। क्लियर कट कर आपको पता है, आपको सारी आउटकम्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की जब बात करोगे, ए इंटरसेक्शन बी में आप सेकंड लेस देन 4 और सम आपका 8 आना चाहिए, तो डेफिनेटली 6 2, ठीक है, 6 3, 1 के साथ तो सम बनता ही नहीं 8 बेटा, क्योंकि मैक्सिमम 6 तक जाना है, 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, आप प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिखोगे तो दैट विल बी 2 by 36, टोटल आउटकम 36, और प्रोबेबिलिटी बी विल बी 18 by 36, अल्टीमेटली इट विल बी 2 by 18, दैट मीन्स 1 by 9। और आप बिल्कुल आप इसको ये भी यूज कर सकते हो बेटा जो आपको मैंने तरीका सिखाया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वेरी लाइकली आउटकम्स के केस में हम कर सकते हैं 2 by 18, दैट मीन्स 1 by। ओके, आई मीन आपने 2 मार्क्स में एटलीस्ट इवेंट्स मेंशन जरूर करनी है, आप चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज। ओके, चाहिए This was 2 marker question already when it appeared. Yes.
Suppose a girl throws a die. If she gets one or two, she tosses a coin three times and notes the number of tails. If she gets three, four, five, or six, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one tail, what is the probability that she threw three, four, five, or six with the die? Yes. Even samajh pa rahe hai beta? डाई रोल की एक गर्ल ने वन और टू आया तो वो दूसरी एक्टिविटी कर रही है, उसके बाद फिर कॉइन टॉस कर रही है थ्री टाइम्स, और अगर थ्री फोर फाइव सिक्स आया तो कॉइन टॉस कर रही है वन टाइम ओनली और नंबर ऑफ टेल्स नोट कर रही है। अगर अगर ये श्योर है कि एक ही टेल आया है, दैट मीन्स जो सेकेंड एक्टिविटी हो रही है या तीन बार कॉइन टॉस हो रहा है या वन टाइम हो रहा है, उनकी आउटकम पता है कि सिर्फ एक बार टेल आया, तो क्या चांसेस हैं कि उसने पहले जब ट्राई रोल की थी तब थ्री फोर फाइव और सिक्स आया होगा? पहली एक्टिविटी की आउटकम के क्या चांसेस हैं? दैट मीन्स आपने पार्टीशन की एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, राइट? पार्टीशन जो पहली एक्टिविटी हुई उसकी आउटकम्स, ओके लेट अस जस्ट राइट द इवेंट्स। इवेंट्स एज्यूम करते हैं बेटा, फर्स्ट गर्ल गेट्स, ओके गर्ल गेट्स और वन और टू अपीयर, वट एवर यू कैन राइट वन और टू ऑन डाई, ठीक है। ई टू इवेंट होगी गर्ल गेट्स थ्री फोर फाइव और सिक्स ऑन द डाई, ठीक है। अब जो एक डिफरेंट इवेंट है दैट इज एग्जैक्टली वन टेल अपीयर, ठीक है, एग्जैक्टली वन टेल अपीयर्स, दिस इज द डिफरेंट आउटकम, दिस इज द आउटकम ऑफ सेकेंड एक्टिविटी। आपको बार बार कहती हूं ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी में सोचो, फर्स्ट एक्टिविटी डाई रोल करना था, सेकेंड एक्टिविटी कॉइन टॉस, किस टाइम कितने कॉइन टॉस किया उस पर डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी, ओके okay? अब आपका ये क्लियर हो गया बेटे, जब डाई रोल हो रहे हैं तो आपके या तो वन टू आएगा या फिर थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा, तो दैट मीन्स दिस इज अ पार्टीशन, दिस इज अ पार्टीशन, और प्रोबेबिलिटी इवन, मतलब डाई पर वन या टू आ रहा है, वन और टू मतलब टू फेवरेबल आउटकम्स, टोटल सिक्स, दैट मीन्स वन बाय थ्री, और प्रोबेबिलिटी ई टू मीन्स डाई पर थ्री फोर फाइव और सिक्स आ रहा है, दैट मीन्स फोर फेवरेबल आउटकम्स टोटल सिक्स, दैट मीन्स टू बाय थ्री, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन टेल अपीयर्स गिवन डाई एज वन और टू, आपको जो चाहिए होता है सिंबल में आपको पता है बेटा, बट इसका मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो प्रोबेबिलिटी गलत लिखोगे। प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ए चाहिए, इवेंट चाहिए, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई टू चाहिए। अब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें पता है बेस और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें यही चाहिए, ठीक है, जब हम स्टार्टिंग इवेंट कैस कर लिया। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जब तक ये वर्डिंग नहीं समझोगे तब तक गलत आएगी। एग्जैक्टली वन टेल अपीयर्स गिवन वन और टू अपीयर्स ऑन डाई, ठीक है, मतलब वन और टू अपीयर हुए डाई, तब उसने क्या किया था, उसने तीन कॉइन टॉस किए थे, तीन कॉइन टॉस किए थे। अब तीन कॉइन टॉस करने की टोटल आउटकम्स हैं बेटा एट, लेकिन एग्जैक्टली वन टेल टोटल आउटकम्स, आई होप आपको सारे याद है, टू इंटू टू करके हम थ्री एच वन एच टू एच ऐसे करके हम निकाल चुके हैं पहले भी, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अपने बस माइंड में रिकॉल करिए। अब वन एग्जैक्टली टेल किस किस में आएगा, टेल हेड 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 टेल हेड एंड वन मोर इज हेड हेड टेल, इन्हीं में आएगा ना वन एग्जैक्टली टेल, तो फेवरेबल थ्री हो गई। तो इस केस में आपकी एग्जैक्टली वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल थ्री आउटकम्स टोटल एट आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी आपकी सही पढ़ी जानी चाहिए, और सबसे ज्यादा गलती इन क्वेश्चंस में यही होती है बेटा, यही होती है,
यस, नाउ प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई टू, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल व्हेन 3, 4, 5 और 6 विल अपियर ऑन डाई, राइट? ई टू वॉज दिस, और 3, 4, 5 और 6 जब अपियर हुए बेटा डाई में, तो वो कॉइन सिर्फ वंस टॉस कर रही है. वंस, जब कॉइन वंस टॉस कर रही है तो डेफिनेटली टेल आने के वन चांस, वन फेवरेबल, टोटल टू, वो तो आपको डायरेक्ट पता. ठीक है, तो इसका मीनिंग जरूर समझते हुए प्रोबेबिलिटी लिखिए बेटा. नो डाउट आप सिंबल्स लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, चेक भी करते हैं हम सब, लेकिन आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप गलत लिखोगे, और गलत लिखा जाएगा तो क्या फायदा. ओके, आप क्या चाहिए था वो हम पहले ही समझ चुके हैं बेटा. हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए और गिवन है ये. दैट मीन्स बेस थ्योरम यूज करनी है, बेस थ्योरम यूज करनी है हमें. नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप लैंग्वेज में लिखो ना लिखो, आप इतना करेक्ट वर्ड लिखो जरूर, क्योंकि मुझे पता है बेटा लैंग्वेज में कई बार बच्चे गलत लिख देते हैं. आपको मीनिंग समझ में आ गया माइंड में, बट आपने पेपर में गलत लिख दिया, तो टीचर के पास तो आपका पेपर है ना, आप तो वहां से चेक कर रहे हैं. तो आप इससे बेटर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखिए, दैट मींस जो पूछी गई है प्रोबेबिलिटी. ओके, और वो पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ई टू गिवन एफ. ई टू हमारी इवेंट थी 3, 4, 5 और 6 आना टाइम है, राइट? और इसके लिए हम यूज करेंगे बेस थ्योरम. ई टू हमारी एक इवेंट है पार्टीशन की, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए गिवन अनदर इवेंट. तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई टू डिवाइडेड बाय सेम पैटर्न. आई होप अब तक फॉर्मूले की हैबिट हो गई है बेटा आपको. प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई, एक फ्लो बन जाता है बेटा ये क्वेश्चंस करते करते. आप यस, प्रोबेबिलिटी ई टू वॉज 2/3, आप एक बार पिछले पेज से रिकॉल कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई टू वॉज 1/2, प्रोबेबिलिटी ई वन वॉज 1/3, प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई वन वॉज 3/8 प्लस सेम जो हमने न्यूमरेटर में लिखा है 2/3 इंटू 1/2. लेट अस जस्ट चेक वंस, जैसे हमारा हम लिखते ही इस ढंग से हैं, दिस मल्टीप्लाई प्लस दिस मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आना बेटा, ई टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ई टू से कंसर्न 2/3 इंटू 1/2. आप जब पैटर्न से लिखते हैं सिस्टमेटिकली तो आपकी गलतियां नहीं होती. आपको बार बार कहती हूँ बेटा, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ पैटर्न एंड लॉजिक्स ओनली. ओके, नाउ द एलसीएम इज 24, यहाँ आपने केयरफुल होना है. ठीक है, दो हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, बट वी विल बी केयरफुल हियर. 24 है एलसीएम, तो इसका मैटर 3 एज सच, ये 6 है, 4 2 8, यू शुड बी केयरफुल. 6 4 24 एंड दिस विल बी 8/11. ओके, आई होप इट इज क्लियर. एक फ्लो बन जाता है बेटा जब आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस का. चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स. लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्स. चलिए मीन एंड वेरियंस तो नहीं हमने फाइंड आउट करना, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आई थिंक एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी सिंपल, आप समझ चुके हैं. दो नंबर है बेटा, वो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स में से, मतलब 1 to 5 में से ड्रॉ किए जा रहे हैं. जस्ट के टोकन्स हैं जिन पे 1 2 3 4 5 लिखा है, बॉल्स है, कुछ भी है, 1 2 3 4 5 लिखा है, वो हम दो एक साथ निकाल रहे हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब हम दो एक साथ निकाल रहे हैं. ठीक है, एक्स डिनोट्स लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स आउट ऑफ फर्स्ट 5. अब टू नंबर्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा इन नंबर की. अगर मैं जैसे अभी डाई किया वैसे ही हम डिस्कस करें बेटा, 1 से 5 तक के नंबर है, ये पॉसिबिलिटी है, बट इनमें से डेफिनेटली
ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हम दो एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं और एक नंबर दो बार नहीं रखा हुआ, फाइव नंबर्स हैं। और क्योंकि दो नंबर्स हमने एक साथ उठाने हैं, वन और टू लें या टू और वन लें, एक बात होगी, तो ये भी नहीं है, है ना। ये सब जो है हमारे सिर्फ ये आउटकम रह जाएंगे। ये कितनी है, 4, 3, 7, 2, 9 एंड 1, 10, टोटल 10। इनमें से अब आप देख लीजिए, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, आप चाहें तो अपनी इंडिपेंडेंट लिख सकते थे, बट आपको समझना है, ये माइंड में रखना है, इसलिए मैंने ये पिक्चर ड्रॉ करके लिख दिया, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। 1, 2 तो कवर हो गई, 1, 2 और 2, 1, एक बात है, फिर से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हम हमारे पास सिर्फ 5 टोकन है, हम उनमें से दो निकाल रहे हैं, 1, 2 आए, 2, 1 आए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पर। 3, 4, 3, 5, 4, 5। अब देखिए, ये टोटल 10 है, लेकिन हमें लार्जर की बात करनी है। लार्जर क्या क्या हो सकता है बेटा? 1 का मिनिमम कॉम्बिनेशन 2 के साथ होगा, तो मिनिमम 2 लार्जर होगा, 2, और लार्जेस्ट 5 हो सकता है, राइट। हमारे जो भी ये कॉम्बिनेशन है उनमें दो जो निकले हैं उनमें लार्जर की बात करें तो देखो, यहाँ 2 लार्जर है, यहाँ 3 लार्जर है, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, और टोटल हमारी आउटकम सैंपल स्पेस की वो हमारी 10 है, ये हम समझ चुके, ठीक है। एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, 2, 3, 4, 5 आ गया। अब इसका हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, टेबल बनानी है हमने। पहले एक बार कैलकुलेट कर ले, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब लार्जर 2 आया, वो देख रहे हैं बेटा, एक ही फेवरेबल आउटकम है, 1/10। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, आप इसको बिल्कुल एज ए सैंपल स्पेस लिख भी सकते हो बेशक, लेट मी जस्ट राइट हियर सो दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज, कि आप सीधा आप इसको लिख के भी चल सकते हो, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है। फिर 2, 2 के साथ 2 का नहीं बनना, 2, 3, 1 का नहीं बनना क्योंकि 1, 2 हो चुका, आगे वाले नंबर से बनना है, 2, 4, 2, 5, ठीक है। देन 3, 3 का 3 से नहीं बनना, पहले वाले नंबर से नहीं बनना, 3, 4, 3, 5, ठीक है। और पेयरिंग लास्ट रह गई बेटा 4 की 5 के साथ, खुद से होनी नहीं किसी की, दो डिफरेंट नंबर चूज कर रहे हैं, तो इनमें से एक्स इज इक्वल टू 2 के फेवर में ये ही केस है, सिर्फ 3 के फेवर में यहां पर देखिए समझना इजी हो रहा है, 3 लार्जर होगा 2 के केस में, यहां पर अभी आप ये देखोगे ये देखो, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जैसे भी समझते हो, ये सैंपल स्पेस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी लिखना इंपॉर्टेंट है। 2/10 प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 विल बी, देखिए 3 है फेवर में, 3/10 प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5, देखिए 4 है फेवर में, 4/10। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस। 3 ग्रेटर होगा इन दो आउटकम्स में, 4 ग्रेटर होगा इन दो आउटकम्स में, सॉरी 3 आउटकम्स में, और 5 ग्रेटर होगा इन 4 आउटकम्स में, ओके। इसके अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं बेटा, हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो दिस विल बी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, आप स्मॉल एक्स आई भी लिख सकते हैं एनी टाइम, नो इशू, एक्स आई बी आई, ओके, दीज आर जस्ट नोटेशन। वैल्यूज ले रहा है एक्स 2, 3, 4, 5, प्रोबेबिलिटी इनका सम हम चेक कर चुके हैं, 3, 3, 6, 4, 10। आप इसको रिड्यूस फॉर्म में भी बिल्कुल लिख सकते हैं, और बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना चाहिए बेटा, जितना आप फैक्टर कॉमन लेके कट कर सकते हैं करना चाहिए, ओके। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।